जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ लेक्चर्स और थ्योरी पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आज उन सारे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। एक पहला क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो बहुत हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो कॉन्सेप्चुअली देखा जाए। तो यहाँ देखते हैं, द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 7। तो के की वैल्यू पता करनी है। तो बोला कि इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हैं, 7। तो पहले बताया जा चुका है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स लिए गए तो सी अपॉन ए। तो जो हमारी इक्वेशन दी गई है वहाँ पर भी प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोडक्ट होगा सी, हमारा ये पूरा कांस्टेंट ये सी है, जैसा कि यहाँ पे सी ले रहे हैं, 2e की पावर 2 लॉग ऑफ के, और नीचे यहाँ पे -1 अपॉन, यहाँ पे ए कितना है 1 है, तो ये सी अपॉन ए आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया गया है 7, तो 7 लिया गया, ये 1 उधर जाएगा, तो 2e की पावर 2 लॉग ऑफ के इक्वल्स टू 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान देंगे, ए की पावर लॉग ऑफ बी बेस सी है, अगर इस तरीके से लिखा गया ए की पावर में ये है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक्स को कहने का मतलब बी और ए को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी की पावर लॉग ऑफ ए बेस सी। तो अब इसी प्रॉपर्टी को अगर ऐसे लगाएं, ई की पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ई, तो यहाँ पर ई और एक्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो एक्स की पावर लॉग ऑफ ई बेस ई, ई बेस ई कितना होगा 1, तो इसको लिख सकते हैं एक्स। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ई की पावर लॉग ऑफ के स्क्वायर बेस ई इक्वल टू 4। जब भी लॉग एक्स लिखा गया है, एक बात और यहाँ पे ध्यान दे देंगे, लॉग एक्स लिखा गया है तो ऑब्वियस होता है कि लॉग ऑफ एक्स बेस ई, कभी भी बेस अगर डिफाइन नहीं किया गया तो हम आप अपने आप मान चलते हैं कि वहाँ पे बेस ई होगा, तो ये वाला प्रॉपर्टी लगेगी, तो इधर से इंटरचेंज हो जाएगा, ये ई यहाँ चला जाएगा, तो के स्क्वायर की पावर लॉग ऑफ ई बेस ई। और जब भी लॉग ऑफ ई बेस ई या लॉग ए बेस ए, यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं साइड में, लॉग ए बी सी हमेशा कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया 1, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, तो के स्क्वायर बराबर 4 आया, के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो के बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 4, तो के बराबर आया प्लस माइनस 2। फिर से ध्यान देना है कि के की वैल्यू 2 आई, प्लस भी आई और माइनस, मगर ये लॉग में रखनी है, किस में रखनी है, तो जब लॉग में रखेंगे तो लॉग ऑफ 2 और लॉग ऑफ माइनस 2, तो लॉग ऑफ माइनस 2 डिफाइन नहीं होता है, तो कौन सी वैल्यू ले ली गई, यहाँ पर दो वैल्यू थी 2 और माइनस 2, लॉग की वजह से ये वाली वैल्यू ले ली गई और ये नहीं ली गई, तो आंसर कौन बना, बी ऑप्शन बना। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, काफ़ी सारी लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की, तो इसको देखते हुए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। आप सारे स्टेप्स को ध्यान रखें और सारी चीज़ों को हमने यहाँ डिफाइन किया है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लें, जो भी क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट फ्रैंकली या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इनकी ज़्यादा रहती है, क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान दें। क्वाड्रेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मे बी डबल ऑफ द अदर। तो हम दो तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक रूटीन मेथड मतलब एक बेसिक फंडामेंटल से जो चलता है, और शॉर्टकट मतलब आंसर्स निकालने के लिए ऐसा कोई भी तरीका जो बहुत जल्दी आसानी से आंसर निकाल पाएँ, बट रूटीन मेथड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हम हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ली, दो हमने रूट्स कंसिडर किए अल्फा और बीटा, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। अब उसने बोला कि मे बी डबल ऑफ द अदर, एक अगर लैम्डा है तो उसका 2 टाइम्स
एक दूसरा टू लैम्डा होगा, यानी रूट्स जो है एक दूसरे के दो गुने हैं, एक का दूसरा दो गुना है, तो उसने बोला कंडीशन क्या होगी। तो हम लोग जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अगर क्वाड्रेटिक के मानी है तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे पहले से डिफाइंड है, पहले से हम लोग जानते हैं। अब जो हमने माना है लैम्डा के टर्म में, जो रिलेशन दिया गया उसकी हेल्प से यहाँ माना है, उसको यहाँ पे रख देंगे। तो पहले वाले जो इक्वेशन में हम रखेंगे तो 12 लैम्डा और लैम्डा बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से सम निकल के इन्फॉर्मेशन से 3 लैम्डा और माइनस बी अपॉन ए, तो लैम्डा बराबर आ गया माइनस बी अपॉन 3 ए। हमें कंडीशन निकालनी है, अब हम दूसरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू लैम्डा के टर्म में रखेंगे, तो लैम्डा इंटू 2 लैम्डा बराबर सी अपॉन ए, तो यहाँ से 2 लैम्डा स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए। केवल आप क्या करना है, जो लैम्डा आपने निकाला है ए और बी के टर्म में वो यहाँ रख देना है। जब आप रखेंगे 2 माइनस बी अपॉन 3 ए का होल स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए, केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बी स्क्वायर बराबर या 9 ए स्क्वायर आ जाएगा, तो 9 ए सी, तो 2 बी स्क्वायर बराबर 9 ए सी, केवल आपको यहाँ सॉल्व करना है। ये आप पे हम छोड़ देते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा आया, बी ऑप्शन आ गया। रूटीन मेथड से किया सम और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ली हमने और सम की इन्फॉर्मेशन इस साइड तक यहाँ तक बढ़ाया है, एक दूसरे को रिलेट किया है, बस लैम्डा को रिप्लेस कर दिया है। जैसे लैम्डा रिप्लेस हुआ, ए बी सी जो कांस्टेंट थे उनमें कंडीशन बन गई, वही कंडीशन यहाँ रिक्वायर्ड थी। अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकट किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसने बोला कि रूट्स में रिलेशन एक दिया गया है कि एक रूट दूसरे का दो गुना है, तो हम मान लेते हैं कि 1, 2 रूट्स को मान लेते हैं 1, 2, ये एक दूसरे के दो गुने हैं। आप 2, 4 मान सकते हैं, 3, 6 मान सकते हैं, ये सारे रूट्स एक दूसरे के दो गुने हैं, ये रिलेशन है। तो हम इस रूट्स के रिलेशन से आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि अगर रूट्स 1, 2 है तो इक्वेशन x² - 3x + 2 होगी। अगर ये रूट्स माने गए तो x² - 6x + 8 होगी, और ये माने गए तो x² - 9x + 18 होगी बराबर 0। रूट्स की हेल्प से इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना होगा, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। रूट्स इक्वेशन से रूट्स निकालना हमने देखा है, रूट्स से इक्वेशन निकालना, तो आपके सामने आप इसको समझने का प्रयास करें। अब हम जो इक्वेशन आपको दी गई है, मतलब ये हमने खुद से एज्यूम किया था, इस शॉर्टकट के लिए खुद से एज्यूम किया कि ऐसा रिलेशन, जो रिलेशन दिया गया है एक रूट दूसरे का दो गुना है। अगर एक रूट दूसरे का 3 गुना होता तो 1, 3 मानते, एक रूट दूसरे का दो गुना का एक ज़्यादा होता तो 1 मानते, तो वहाँ दो गुने के ज़्यादा का मतलब 5 मानते। तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ सपोजिशन हुआ। एक हमने इक्वेशन आपकी खुद की मान ली, जो दी गई उससे कंपेयर कराएंगे, ax² + bx + c से हमें कंपेयर कराना है। तो यहाँ पर अगर कंपेरिजन कराएंगे तो रिस्पेक्टिव कोफिशेंट कंपेयर होते हैं, तो यहाँ x² का कोफिशेंट 1 है और यहाँ x² का कोफिशेंट a है, a बराबर क्या आ गया 1, यहाँ b बराबर कितना आ गया माइनस 3 विद साइन आता है, ये विद साइन आएगा, और c बराबर कितना आ गया 2। तो हमने ए बी सी को अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब ऑप्शन पे बारी बारी चेक करेंगे, पहले ऑप्शन ए ऑप्शन को उठाते हैं, b² - 9ac में ए बी सी जो निकाला है वो हम लोग रखने जा रहे हैं, जो हमने खुद का निकाला है। तो b² निकालें कितना आएगा 9 आएगा, 9 × a कितना है 1 और c कितना है 2। तो ये ऑप्शन सही हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ कितना है 9 और यहाँ कितना है 18, क्या 9 18 के बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। ऐसा क्या करें इसमें कि बराबर हो जाए, बताइए 9 9 18 के बराबर कब हो पाएगा, क्या करें, इधर 2 का मल्टीप्लाई करें,
इधर दो का, तो दो का मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2b² और 9ac कौन सा ऑप्शन है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बी है, मतलब एक ही ऑप्शन को टच करेंगे उसी से ही सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेंगे। यानी कि एक ऑप्शन पहले सॉल्व किया, उसको हटा दिया, फिर दूसरा ऑप्शन सॉल्व किया, क्योंकि ऑप्शंस में एक रिलेशन है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बैलेंसिंग की गई, तो आप यहाँ से बैलेंसिंग कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके सामने थे, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा खुद का मेथड है, बहुत यूनिक है, हमेशा बेसिक फंडामेंटल बेसिक होता है, रूटीन मेथड ही आधार है। आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देंगे, वो एक शॉर्टकट है, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - px + q = 0 डिफर बाई यूनिटी, देन ऑप्शन आपके सामने है। अभी हमने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले की है, जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। माना आपने खुद का अजम्पशन है कि अल्फा बीटा का रूट्स माने हैं, तो रूट्स का सम का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया। अब इतना तो आप जान गए होंगे कैसे निकला होगा, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट और सम निकाल लिया। डिफर बाई यूनिटी, डिफर बाई यूनिटी, अब उन्होंने कहा रूट्स के बारे में बोला है, रूट्स अल्फा और बीटा हैं, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस जब करेंगे अल्फा माइनस बीटा उसके कितने बराबर है, यूनिटी मतलब वन, यूनिटी का मतलब है वन यहाँ पे, तो अल्फा माइनस बीटा वन दिया गया, तो उसने बोला कि क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा वन दिया गया तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे वो भी बना जाएगा, डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है जबकि सम और प्रोडक्ट पता है। तो आपको एक फार्मूला पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α β = 1। जैसे ही आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी गई है यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p² - 4q = 1। ऑप्शन पे एक नज़र डालें, p² जान गए होंगे आप, बी ऑप्शन सही है, ठीक है बी ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पर शॉर्टकट भी हो सकते हैं, बट इससे ज़्यादा शॉर्ट वैसे ही ऑलरेडी क्वेश्चन का मैथड इतना शॉर्ट है, कुछ नहीं करना, बस अल्फा माइनस बीटा को आपको निकालना है, इसमें भी आप कोई शॉर्टकट ढूंढें तो उससे अच्छा है पहले आप यही कर लें। तो ये वाले स्टेटमेंट को आप ध्यान रखें, इस वाले स्टेटमेंट को आप हो सकता है कि इंटरप्रेट ना कर पाएँ, मिस इंटरप्रेट कर दें, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। उसने कहा है कि रेशियो ऑफ रूट्स, यानी इस इक्वेशंस के रूट्स के रेशियो, जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसके रूट्स के रेशियो दोनों बराबर हैं, तो ऑप्शंस में कंडीशंस इनके कोफिशिएंट को किस तरीके से रिलेट किया जाएगा, ये आपको कंसिडर करना है। रूटीन मेथड मतलब जो बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल है, कि यहाँ इस इक्वेशन के रूट्स हमने अल्फा वन बीटा वन माने और इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा टू और बीटा टू माने। उसने बोला इसका रेशियो, तो अल्फा वन का रेशियो बीटा वन से जो है वही रेशियो अल्फा टू का बीटा टू से है, ये दिया गया है, अभी तक का इन्फॉर्मेशन दी गई है, रूट्स हमने माने हैं। अब ने बोला अप्लाई कंपोनेंट डिवाइड इन टू, आप जानते होंगे कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पर अल्फा वन को बीटा वन से जोड़ देंगे, तो अल्फा वन को बीटा वन से जोड़ेंगे उसी तरीके से यहाँ पर अल्फा टू और बीटा टू को भी जोड़ेंगे, फिर अल्फा वन से बीटा वन को घटाया है, ऐसा ही इधर भी करेंगे अल्फा टू माइनस बीटा टू। आगे बढ़ेंगे कि सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं, और डिफरेंस ऑफ द रूट्स अभी निकालना सिखाया था, सम ऑफ द रूट्स दूसरी वाली इक्वेशन के निकाल लेंगे और डिफरेंस सिखाया था। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर ले जाएंगे, बट इसमें समय लग रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर शॉर्टकट जो बताया गया ये ज़्यादा आसान है। हमने यहाँ पर 1, 2 रूट्स माने, इनका रेशियो 1/2 है, और 2, 4 इनका रेशियो भी कितना है, 1/2 है, मतलब 1/2 और 2/4। अगर हम 3, 6 भी मान सकते थे, ठीक है, 12, 24 भी मान सकते थे, तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकती हैं जिनमें इस टाइप का रिलेशन होल्ड कर रहा है कि रूट्स का रेशियो समान है। तो हमने बहुत सिंपल ईजीएस्ट फॉर्म वाली इक्वेशन मानी, यहाँ पर इस रूट्स अगर 1, 2 हैं तो आपको
पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो एक इक्वेशन बन जाएगी, और टू कहाँ फोर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट बराबर जीरो। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम इसके जस्ट नीचे लिखते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये यही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही और ये वाली ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही, तो कंपेरेबल होंगे। तो p बराबर क्या आ जाएगा माइनस थ्री और q बराबर टू। ऐसे यहाँ पे l बराबर कितना आ गया माइनस सिक्स और m बराबर एट। हम मान रहे हैं क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन दी गई हैं, हमने यहाँ पे ये सपोजिशन किया है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर तभी होंगे जब उनके कोफिशेंट क्या होंगे मैच खाएंगे। अब कोई भी ऑप्शन यहाँ शुरुआत से उठाते हैं, पहला ऑप्शन ले लिया कि पी स्क्वायर एम इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल। अब इसको मैच कराएंगे जो हमारी इन्फॉर्मेशन आई है उसके साथ, तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एट से, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना फोर और एल मतलब माइनस सिक्स। अब देखिए अगर रफली देखा जाए तो दोनों बराबर होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, बराबर होने से रहे, बराबर तभी होंगे जब एल स्क्वायर हो रहा होगा और पी स्क्वायर हो रहा हो। तो एल स्क्वायर और पी स्क्वायर कहाँ हो रहा है, एल स्क्वायर पी स्क्वायर कहाँ हो रहा है डी में, तभी ये बैलेंस होगा। आप इसको चाहें तो अगर आप डाउट है तो मैच करा लीजिए, पी स्क्वायर एम है तो पी स्क्वायर एम, तो पी स्क्वायर करेंगे तो नाइन एम मतलब एट, और इधर दिया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब थर्टी सिक्स और क्यू मतलब टू, तो अब जाने कि दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये ऑप्शन सही हुआ। मगर हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो चार ऑप्शन होंगे, वेरीफाई करना भी एक कला है, इसके लिए आप एक ऑप्शन को पकड़ें उससे कितनी जल्दी से आप चारों ऑप्शन आइडेंटिफाई कर जाते हैं। ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं एग्जाम में कि आप एक ऑप्शन की हेल्प से सारे ऑप्शन प्रेडिक्ट कर पाएँ। जो आपको क्वेश्चन कंसिडर किया है बहुत ही हो सकता है सिंपल हो जाए और इट मे बी वेरी टफ फॉर द स्टूडेंट्स। जब तक आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अगर आप उस प्रॉपर्टी को नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन करना बहुत टफ हो जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, टू प्लस आई रूट थ्री इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है, ऑप्शंस दिए गए हैं पी क्यू पी क्यू के मान क्या होंगे वैल्यूज़ क्या होंगी, तो अब एक रूट दिया गया दूसरा रूट निकालना है और फिर उसके बाद ही पी और क्यू की वैल्यूज़ आएंगी। बट एक क्वाड्रेटिक में प्रॉपर्टी है या एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस या पॉलीनोमियल इक्वेशंस के लिए प्रॉपर्टी है कि एक्स प्लस आई वाई इज अ रूट ऑफ इक्वेशन देन एक्स माइनस आई वाई आल्सो इट्स रूट्स, और पी प्लस रूट क्यू देन p माइनस रूट क्यू। मतलब कहने का मतलब ये जो इस टाइप के रूट्स होते हैं यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं थ्री प्लस रूट फाइव, थ्री माइनस रूट फाइव, वन प्लस रूट टू, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं रियल नंबर ही हैं बट शर्ड हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं शर्ड्स। और जो ऐसे आते हैं टू प्लस थ्री आई, वन प्लस फोर आई, टू प्लस फाइव आई, तो एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे गए हैं। नंबर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये पता है, बट ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म लिखे गए, तो इस टाइप के रूट्स जब भी दिए जाएंगे तो हमेशा पेयर होगा इनका, प्लस अगर दिया गया तो माइनस लेंगे, माइनस दिया गया तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पेयर का एक रूट दिया गया है टू प्लस आई रूट थ्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा टू माइनस आई रूट थ्री, तो एक रूट हुआ अल्फा, अगर ये दिया गया तो बीटा अपने आप मानना पड़ेगा। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमने रिलेट की थी वो इन्फॉर्मेशन बेसिक सी है कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इतना मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप इतना तो जान रहे होंगे कि कैसे सम ऑफ द रूट्स और कैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। हमने अब क्या किया पी और क्यू के टर्म में ये इन्फॉर्मेशन ली, अब पी की वैल्यू निकालनी होगी तो माइनस रूट्स जो है उनको सम कर दीजिए, तो रूट्स को जब सम करेंगे तो ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सम करने पर कितना आ जाएगा फोर, तो ये आएगा पी की वैल्यू आई माइनस फोर। अगर आप आगे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आंसर यहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पी की वैल्यू क्या आई फोर या माइनस फोर, तो ये वाला क्या है हाँ, तो जो गलत है उनको हटा दीजिए, तो भीड़ हट गई,
बचा गया, मगर आगे सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्ट करना है तो ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, वो कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जब भी करते हैं आप नंबर्स के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में करेंगे, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। रीज़न है आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस वन, क्योंकि आई बराबर रूट ऑफ माइनस वन होता है, इमेजिनरी यूनिट है। तो यहाँ का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनके स्क्वायर का सम होगा, तो फोर और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। तो एज अ कन्फर्म हो गया कि ए ऑप्शन क्या है, सही है। पहला आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन था ए, वो आंसर बन गया। मतलब बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बट टफ हो सकता है कि अगर आपको ये नहीं पता कि ऐसे रूट्स अगर आते हैं तो उसका पेयर भी होता है। तो ये सारे क्वेश्चन पेयरिंग में ही आते हैं, एक पार्ट एक रूट दिया जाएगा, दूसरा आपको खुद से मानना होगा। तो एग्ज़ाम में ये ध्यान रखें, मे बी टफ कि आप ये बात अगर भूल गए तो मुश्किल हो जाएगी फिर ये चीज़। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ का जैसे ही रूल आता है तो बहुत सारे बच्चे इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होते हैं। बात यहाँ पर इस तरीके से तय नहीं होती कि वो टफ है, जो भी ऑपरेटर या जो भी चीज़ आपको शुरुआत से अवेयर कराई जाती है, इंट्रोड्यूस कराई जाती है, आप उससे कम्फर्टेबल रहते हैं। तो इक्वल ऑपरेटर आप सब बहुत पहले से इंट्रोड्यूस शुरुआत से देखते आए हैं, तो इसलिए आप कंफर्टेबल हैं। और इनइक्वालिटीज़ ग्रेटर देन और लेस देन, ये आपको ट्वेल्थ लेवल या उसके बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, बार बार इसको देखते रहेंगे, बार बार ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आप सहज हो जाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट जो है वो इस पर हम लोग फिगर आउट करते हैं कि रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स मतलब नंबर, अगर हमने रूट्स अल्फा और बीटा लिए तो एक बात ध्यान रखें कि नंबर्स आर अपोजिट साइन। तो इसको प्रूव करना हो कि नंबर्स आर अपोजिट साइन, तो प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, उन नंबर्स का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है तो वो नंबर्स कैसे हैं, अपोजिट साइन के, ठीक है। और अगर दूसरी बात लिखी हो कि नंबर्स आर रेसिप्रोकल हो तो प्रोडक्ट कर दीजिए, और वो अगर वन आ गया तो वो नंबर्स रेसिप्रोकल होंगे। अपोजिट साइन इक्वल एंड अपोजिट साइन तो उनका सम करिए, और वो सम क्या है, जीरो। ये छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं, आपको पता भी होगी, अगर नहीं पता है तो आप उनको राइट डाउन कर लें, और बहुत ही साइकोलॉजिकली आप इसको ट्रेन कर लें अपने दिमाग को, कि जैसे ही आप अपोजिट साइन है तो दिमाग में रखें कि नेगेटिव होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो दिमाग में रखें उनका प्रोडक्ट वन के बराबर होगा, और सम का मतलब ज़ीरो होगा। ये चीज़ें पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपको। तो यहाँ पर रूट्स का साइन अपोजिट है, इसका मतलब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा जो है वो नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे हमने जो दर्शाया है इनइक्वालिटी से, नेगेटिव लेस देन ज़ीरो। प्रोडक्ट आप रूट्स जानते ही हैं कि सी अपॉन ए, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इस बात को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं दोबारा, के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस टू अपॉन थ्री लेस देन ज़ीरो। कोई भी नंबर, वेरिएबल ना हो नंबर, वो आप मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, अगर वेरिएबल होगा तो नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस टू, के एक वेरिएबल की तरह मान रहे हैं क्योंकि के ही इंटरवल, के के लिए इंटरवल पूछा गया है, तो के एक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, के माइनस वन और के माइनस टू। के लिए रियल लाइन बनाएंगे, ये रियल लाइन के लिए है, के की वैल्यू यहाँ पे वन और टू दर्शाएंगे। तीन पार्ट हुए, रियल लाइन को तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। ये पार्ट हमेशा साइन कन्वेंशन, मतलब साइन देने वाले हैं, आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट देंगे, हमेशा प्लस से शुरुआत करिए, प्लस फिर उसके बाद माइनस उसके बाद प्लस, मतलब इस पोर्शन में वैल्यू पॉजिटिव है, इतने पोर्शन में वैल्यू निगेटिव दे रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव,
आप इस वाले इनक्वालिटी के साइन को देखिए, अभी लेस देन इसका मतलब निगेटिव चाहिए, तो हम इस वाले रीजन का इस इंटरवल को उठा लेंगे। तो इंटरवल शुरुआत हुई 1 से और कहाँ तक गया, 2 तक, तो के बिलोंग करेगा 1, 2। ओपन इंटरवल, सी ऑप्शन आपके सामने। अब इस वाले क्वेश्चन से ये हो सकता है बहुत ईजी है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन बना सकते हैं, ऐसी रियल लाइन दे सकते हैं, ऐसी इनक्वालिटीज दे सकते हैं जो आप और स्टैंडर्ड हो, तो इनक्वालिटी का क्वेश्चन अलग से नहीं आता है, इनक्वालिटी का क्वेश्चन को देना होगा, तो इस क्वेश्चन से वो कंप्लीट कर देंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, लॉ के क्वेश्चन जहाँ भी आते हैं, तो देखा गया कि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं मैथ्स की शुरुआत में, वो बहुत स्केयर्ड करते हैं इस टॉपिक से, लॉ के कॉन्सेप्ट से। आप क्या करें कि लॉग जब भी आए तो आप उसको लगाने की कोशिश करें, उनकी सारी प्रॉपर्टी को जानें, क्योंकि लॉगरिथम, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और इनक्वालिटीज़, इन सब का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो आप इनसे बच नहीं सकते हैं। जितना आप दूर भागेंगे उतना परेशान रहेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कंसिडर करते हैं किस तरीके से करेंगे, एक कॉन्सेप्ट इसमें है उसको लास्ट में ज़रूर ध्यान देंगे। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस ए बराबर वाई अगर हो, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि लॉग करते मैं इसको एंटी लॉग में ले जा रहे हैं, तो पावर, कहने का मतलब ए की पावर वाई इक्वल टू एक्स, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका फ्लो होना चाहिए कि इस तरीके से आप लॉग को एंटी लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम आपके सामने देख रहे हैं लॉग ऑफ 4, ये लॉग ऑफ 8, तो 2 की पावर ऐसा क्या करें, 2 की पावर ऐसा क्या करें कि 8 आ जाए, तो आपके आंसर आएगा कि 2 की पावर 3 करने पर क्या आ जाएगा, 8। तो लॉग ऑफ 8 बेस 2 का आंसर क्या होता है, 3। ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हैं आसानी। तो जैसा बताया गया, तो इसकी पावर ये करने पर ये मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2 की पावर x माइनस 2। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना एक्सपोनेंशियल है, कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप फंस जाएं, तो अब ऑप्शन की हेल्प लीजिए, इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन दोनों को बैलेंस कर रहा है, जो ऑप्शन बैलेंस करेगा वही आंसर बनेगा। एक बार 2 रख के देखते हैं, x की वैल्यू 2 तो रखेंगे, तो 4 माइनस 8 प्लस 5 आया, यानी इधर आया 1, और इस साइड में रखोगे 2 की पावर 2 माइनस 2, 2 की पावर 0 भी क्या आएगा 1, तो ये बैलेंसिंग हुई, यानी कि जहाँ जहाँ 2 है वो ऑप्शन बन सकते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो बनने से रहा, ये वाला ऑप्शन या ये वाला। अब निगेटिव रखेंगे अगर 3, माइनस 3 रखेंगे, तो अगर लॉग में निगेटिव आ गया तो ये होगा नहीं, 3 रख के देखें, यहीं रखेंगे, तो 9 माइनस 12 प्लस 5 ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 1, ये भी 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हुआ। मतलब बताया जा रहा है, ये ध्यान दें कि लॉग ऑफ किसी चीज़ का निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ऐसा लॉग में निगेटिव नहीं रख सकते, तो माइनस 3 अगर रखेंगे तो माइनस 3 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस 3 रखने पर। ठीक, ऑप्शन कौन सा बना, सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप थ्योरी के कॉन्सेप्ट पहले से दिए जा चुके हैं, इन पर आधारित क्वेश्चंस का आज पूरा सेशन लिया गया, क्वेश्चंस में कहाँ पर दिक्कत आई या कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आई या कौन सी चीज़ों की डिमांड है आप यहाँ पर दे सकते हैं। आगे हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे, फिर आगे जाके मॉडल पेपर और ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस भी कराएंगे लास्ट में।